कैसे हैं आप सब। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। हो गया दूसरा दिन और काम फटाफट शुरू हो गया। यहाँ पे हमने सब्जियाँ अदरक मिर्ची सब धो लिए और साइड में जो है इन लोगों का दूध भी तैयार हो गया जो कि आप देख सकते हैं, और उसके साइड में हमारा चाय भी रेडी हो गया। सुबह की हमारी पहली चाय ये भी हमारी बनके तैयार हो गई। अब ये चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आप सबसे बात करते हुए थोड़ा मैं ब्रेक लेती हूँ। चाय पीने के बाद बाबू दूध ठंडा करो, इंद्रज दूध ठंडा करो, नित्या किसकी मैं आ गई वहाँ से बेडरूम में अभी चाय पीने, जो कि मैं चाय पीऊँगी। और मुझे क्या अपलोड आज करना है, क्या ब्लॉग एडिट करना है, उसके साथ मैंने क्या अपलोड किया है और मोस्ट भी मैंने क्या किया है, इंस्टा पे मैंने क्या किया है और यूट्यूब पे क्या किया है, क्या कुछ मैसेज आया है, किसी का कमेंट्स आया है, वो सब मैं बैठे बैठे चाय के साथ वो सब चेक करती हूँ। और यहाँ पे सामने कैमरा लगाई तो मैं दिख रही हूँ, तो मैं उसमें देख रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ उसके साथ। तो यहाँ पे मैं पहले चाय पीती हूँ और यहाँ पे हमारे लाडू का कुछ न कुछ एक नई कहानी जो कि हर रोज़ का है। बात करने आएंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। वो कहाँ का बात छेड़ती हैं, क्या बात करती हैं कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं कौन सा किसी नदी की बात कहाँ से क्या वो बता रही है कि मम्मी उसमें स्क्वायर जैसा रहता है, आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि हमें इसमें खेलना है। खेलना नहीं है, वो हमें मारने के लिए आता है, वो हमें खींचने के लिए आता है, तो उसमें नहीं जाना है, ऐसा करके वो मुझे समझा रही हैं। और मैं किचन में आती हूँ तो पहले इन लोगों का आता है क्या बन रहा है, क्या बना रही हो, वो सबसे बड़ा सवाल मेरा भी रहता है क्या बनाऊं। और इन लोगों का तो मतलब मूड ऑफ ऑन कैसे होता है वो पता करके आज किचन में बन क्या रहा है। तो हो गया इन लोगों का छोटा छोटा जो भी है बातचीत, अभी हम किचन में जो स्टार्ट करते हैं खाना। और दोस्तों आज जो है मैं कुछ खास नहीं बना रही हूँ क्योंकि एकादशी था 26 को और हमको पता नहीं था उस दिन। हम लोगों ने चावल बना लिया था, थोड़ा खा भी लिया था, लेकिन जब पता चला तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नहीं खाया क्योंकि हम लोग भी पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, अभी भगवान जी को ही पता होगा। तो फिर चावल पूरा हम लोगों ने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो फिर मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो उसी को फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने सुबह का यही कर दिया जो कि वो मैंने तैयार कर दिया सिर्फ फ्राई करके, तो इन लोगों को भी पसंद है और हम लोग भी खाएं। इसके बाद फिर मैं आगे मेरा कपड़े का डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती हंस रही थी क्योंकि मुझे लगता है ना कि काम के बीच में ना मेरा थोबड़ा कुछ भी कैसा भी एक्सप्रेशन आता है, मैं कैसे भी रहती हूँ कैसे भी मुंह लटका रहता है क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं और हम घड़ी के साथ चलते हैं। ये हुआ तो अभी ये बाकी है, वो कहीं ना कहीं एक टायर्डनेस रहता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है, तो वो सबके साथ वो सबके बीच भी हमें ध्यान नहीं आता है कि हमें कनेक्ट कैसे आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाना है, हम लोगों के साथ जो है आप लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे रहना है। तो हम जो है क्योंकि कोई भी कितना दिन तक ऐसे दिखावा करके रह सकता है, मीन्स कैमरे के सामने आया तो कुछ अलग और कैमरे के पीछे है तो कुछ अलग, क्योंकि वो नहीं होता है, रियल आ ही जाता है। तो ऐसे रहती है, तो कभी ना कभी मैं बाद में जब देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मतलब आप लोग क्या सोचते होंगे, मेरा कैसा भी आकड़ा तकड़ा चेहरा भी बन जाता है, मैं कैसे काम भी करती हूँ, तो मैं बाद में बहुत हंसती हूँ। वो काम के चक्कर में मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे दिख रही हूँ क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही लगी रहती हूँ, तो वो भी बाद में मैं सोचती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया कि बार बार मैं देखी थी, तो आज मैंने बोल ही दिया कि आप लोगों के साथ कि आप लोग माइंड मत करिएगा मेरे थोबड़े को। ये काम करने के टाइम बहुत टेंशन आता है कि इतना टाइम, तो इस टाइम पर इतनी गर्मी है कि पूछिए मत कितनी गर्मी है, उसमें काम करना बहुत तकलीफ होता है। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आगे भी चलेगा।
कल ही भिगाई थी, टाइम नहीं मिला, थोड़ा ठीक नहीं था, इस वजह से कल नहीं छिल पाई, तो अभी छिलने बैठ रही हूँ। अभी टाइम जो है कुछ कितना 2:00 भी गया, सुबह से काम चालू है, काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फ्रेंड एक चीज और मुझे बोलना है, कल से थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आज भी लगातार हो रहा है, मेरा बायां आंख जो है वो फड़क रहा है। क्यों उड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जिसको पता है वो प्लीज मुझे कमेंट करे इसका क्या मतलब है। मेरा बायां वाला आंख जो है वो बहुत उड़ रहा है, बहुत फड़क रहा है, मतलब मुझे देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, इतना जैसे कि कोई चीज कैसा कांपता है, वाइब्रेट होता है, ऐसे हो रहा है, मैं पूरा देख ही नहीं पा रही हूँ। तो जिसको पता है इसका मतलब कि बायां आंख फड़कने से क्या होता है, दायां आंख फड़कने से क्या होता है, वो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते भी हैं। जो भी कमेंट्स आते हैं, बुरा कमेंट्स कोई नहीं आता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, और बस आप लोगों का इतना सारा प्यार और सपोर्ट से मैं बहुत खुश हूँ। आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, और जो लोग नए मेरे वीडियोस को देखते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, प्लीज मेरा साथ दीजिए। भगवान सबका भला करे, शुरुआत हमसे करें।